हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यादानी डीजी। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 9, 10, 11। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 5 से 11 हमारे संविधान में भाग दो, जो कि नागरिकता को दर्शाता है, नागरिकता को, ठीक है, आपको पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। नागरिकता में हमारे संविधान में हम एकल नागरिकता का हमारा प्रावधान है, यानी कि हमारे देश का निवासी सिर्फ एक ही नागरिकता ले सकता है, और ये एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये हमने लिया है यूके से, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एकल नागरिकता का प्रावधान हमने यूके से लिया है। और अब आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल 9, 10, 11। तो आर्टिकल 9 क्या है? आर्टिकल 9 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, मान लीजिए कि सपोज आप यहाँ पे इंडिया से आपका जॉब लग गया यूएसए में, तो आप यूएसए की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है जो भारत का नागरिक है वो भारत का नागरिक रहेगा, मतलब आपकी नागरिकता को कोई छीन नहीं सकता है तब तक जब तक संसद को ऐसा ना लगे कि आपकी नागरिकता को छीनना चाहिए। मतलब संसद जब चाहे आपकी नागरिकता को के ऊपर कानून बना सकती है, संसद को ये पावर है, ठीक है। और आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता संबंध जैसे भी कोई भी मतलब नागरिकता सिटीजनशिप को लेकर के कोई भी बिल बनाने का पावर संसद के पास में है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, CAA, NRC ये सब जितना है ये आर्टिकल 11 के तहत अभी हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 9, 10, 11 मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा, जो कि नागरिकता का पार्ट है 5 से 11, जो कि संविधान के भाग दो में जिक्र है, और ये हम ब्रिटेन से लिए हैं। हमारे संविधान में एकल नागरिकता का जिक्र है, एकल मतलब भारत का नागरिक सिर्फ एक ही देश की नागरिकता रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे आर्टिकल 12, ठीक है। देखते रहिए विद्यादानी डीजी।